पंजाब की बेटी, यूपी की बहू और दिल्ली की धाकड़ नेता, कुछ ऐसी थी शीला दीक्षित। अनसुने किस्से। दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित यूपी की बहू होने के साथ साथ पंजाब की बेटी भी रही हैं। शीला दीक्षित का जन्म पंजाब के कपूरथला में 31 मार्च 1938 को हुआ। ब्राह्मण समुदाय से ये ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा से लेकर राजनीति की जमीन दिल्ली में बनाई। दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज तक का सफर तय करने वाली शीला ने दिल्ली में सीएम की सबसे बड़ी पारी खेली। हालांकि अपने आखिरी विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शीला को कॉलेज के जमाने में विनोद दीक्षित से प्यार हुआ और जो शादी तक पहुंचा। विनोद दीक्षित आईएएस अफसर रहे। शीला के बेटे संदीप दीक्षित किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं। शीला का ससुराल यूपी में है और इसके ही मद्देनजर कांग्रेस ने उन्हें अपना सीएम कैंडिडेट बनाया। शीला का ससुराली संबंध यूपी में बड़े कांग्रेसी नेता उमाशंकर दीक्षित के परिवार से है। उमाशंकर दीक्षित केंद्रीय मंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे कई संगठनों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली में दो हॉस्टल भी बनवाए। 1984 से 89 तक वे कन्नौज उप्र से सांसद रही। इस दौरान वे लोकसभा की समितियों में रहने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत की प्रतिनिधि रही। वे बाद में केंद्रीय मंत्री भी रही। वे दिल्ली शहर की महापौर से लेकर मुख्यमंत्री भी रही। बीते लोकसभा चुनाव में शीला दीक्षित को कांग्रेस की तरफ से यूपी का सीएम प्रोजेक्ट किए जाने का कपूरथला में रहने वाले उनके 93 वर्षीय मामा भी एनपुरी बेहद उत्साहित दिखे थे। मामा पुरी ने बताया कि करीब सवा साल तक वे अपनी नानी लजावती के साथ हिंदू पुत्री पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं कक्षा की पढ़ाई की। उनकी नानी वहाँ की प्रिंसिपल थी। वीएनपुरी ने बताया था कि वे खुश हैं कि उनकी भांजी केंद्र की सियासत में अहम भूमिका निभा रही हैं। शीला 1988 में अपनी नानी लजावती के स्वर्गवास पर कपूरथला आई थी। उस समय वे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थी। वैसे तो वे साल में एक बार ननिहाल जरूर आती थी, लेकिन सियासत में ज्यादा व्यस्त होने के चलते वे 2004 में एक समारोह में शिरकत करने आई तो घर में कमरे और स्कूल की कक्षा और उस बेंच को देखा जहाँ वे बैठती थी।